लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब। बड़ी शाहू में 7 घंटे से बिजली बंद, अहले इलाका परेशान। वॉल्टन रोड वर्कशॉप स्टॉप और भट्टी चौक में भी 4 घंटे से बिजली बंद। अहले इलाके के मुताबिक ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी की वजह से बिजली नहीं आ रही। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। उमर अताब बंदियाल साहब ने इमरान नियाजी का जेल में जो हाल अहवाल है उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया, लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को पहली रात जमीन पर सुलाया गया उस वक्त उमर अताब बंदियाल कहाँ थे? नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान लौटेंगे, शहबाज शरीफ का ऐलान। साबिक वजीर आजम कहते हैं इकामा का फैसला बदनीयती पर मबनी था, बाज़ अफराद की वजह से इंसाफ का निज़ाम तबाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस को पीटीआई चेयरमैन का ख्याल आ गया। नवाज शरीफ और उनकी बेटी को पहली रात जेल में जमीन पर सुलाया गया, उस वक्त क्यों याद नहीं आया? ये नाइंसाफी की हद है। लीगी कायद पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। लंदन में दोनों रहनुमाओं की तफसील मुशावरत, वापसी की तारीख, सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। पार्टी का मौकिफ कोई इसमें अभाम नहीं है जी। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुकद्दस है आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। आम इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए वरना आईनी बहरान पैदा होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अजलास के बाद पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौकिफ आ गया। डिजिटल मरदमशुमारी मुतनाज़े थी, हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन लेट नहीं हो सकते। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले अजलास में आसिफ जरदारी और चारों सूबों से रहनुमाओं की शिरकत। चुनावी शेड्यूल में सियासी जमातों से मुशावरत में तेजी। नून लीग वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, नए वोटर्स को फहरिस्तों में शामिल करने का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं कमीशन ने बरवक्त इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी है। निगरान वजीर आजम से अमरीकी सफीर की मुलाकात, आजादाना इंतखाबात की हिमायत का इरादा, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी बहाली के लिए IMF प्रोग्राम में ताबूत जारी रखने में यकीन दहानी करा दी। एक पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ फैसला देने पर सोशल मीडिया मुहिम शुरू हो गई। दुनिया भर से मुख्तलिफ लोग धमकियां दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाते गैर मामूली हालात का सामना है। PTI चेयरमैन को सजा सुनाने वाले जज का रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को खत, हुमायूं दिलावर की दरख्वास्त पर तबादला कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। जिला खैबर में CTD और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, अली मस्जिद खुदकुश हमले का सहूलत कार मारा गया। अबूजर के निशानदही पर ऑपरेशन जारी था कि आमने दुश्मनों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान का दहशत गर्दी के खिलाफ दिफाई हिसार का किरदार, आलमी बरादरी में इंतहा कुर्बानियों का इदराक करे। आर्मी चीफ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वफद से गुफ्तगु, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का भी तस्करा। ISPR के मुताबिक खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा गया। बिजली के बिल आमदन से भी ज्यादा, सार्फिन का पारा हाई, लोगों की शहर शहर दुहाई। रावलपिंडी में आवाम का एहतजाज, ISCO हुकाम ने सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी मांग ली। फैसलाबाद में शहरियों की शदीद नारेबाजी, मुल्तान लैया उशरीफ और दीगर शहरों में भी मुजाहरे, शुरखंद बिल जला डाले। कराची के इलाके लसबीला चौक पर सिविल लाइन में गैस भरने से धमाका, 2 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। चाय के 2 होटल मुकम्मल तबाह, मुतादे दुकानों और 2 गाड़ियों को नुकसान। वाकई के बाद 3 बहनों का इकलौता भाई 22 साल कुरियर मुलाजिम लापता। कराची के इलाके साइट ए मेट्रोविल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसलूखा सामान बरामद, लियाकतबाद में जेर तामीर मकान के टैंक से 7 साल बच्चे की लाश बरामद।
कराची क्या, वजीर आला भी सब कुछ कहता है मगर हुआ कुछ नहीं है। अभी भी लोग इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी हल नहीं हुआ भाई। तो आप साहब से मुतबाना गुजारिश करूंगा कि आए थोड़ी नज़रसानी करें। मुर्तजा वहाब को मेयर बने 2 माह बीत गए, कराची के हालात न बदल सके। पीपल्स पार्टी ने शहर को लावारिस छोड़ दिया, टूटी सड़कें, नाकारा सीवरेज और कचरे के ढेर, इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत। न्यू कराची बोहरा पीर रोड, दुसत भुट्टो कॉलोनी, नागन चुरंगी और दीगर इलाकों के वकील सूरत हाल में बेहतरी के मुंतजर। पराठा देने में ताखिर क्यों हुई, लाहौर में पुलिस एहलकार ऑफिस से बाहर, होटल मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना डाला, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बाद मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। लाहौर में खवातीन से जिंसी ज्यादती के वाकयात में इजाफा, 24 घंटे में 5 खवातीन जिंसी ज्यादती का शिकार। वाकयात सुंदर, शादरा टाउन, खाना, कोटलखपत और इस्लामपुरा में पेश आए, मुकदमा दर्ज, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। गुजरात पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां, 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मदशियात बरामद कर ली गई। दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी, बिफरी मौजें सब कुछ बहाकर ले गई। हर्ड इस्लाम से 1,42,000 क्यूसिक के बड़े रेले का अखराज, दर्जनों देहात जेर आब। कसूर ओकाड़ा, पाकपतन, बुरे वाला, दीगर इलाकों में भी बड़ी तबाही, हजारों अफराद बेघर, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुस्लिम उम्मा का एहतजाज रंग ले आया, डेनमार्क का कुरान मजीद और दीगर मुकदस किताबों की बेहरमती पर पाबंदी के लिए कानून साजी का ऐलान, खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और जुर्माने की तजवीज, बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश होगा। मेडागास्कर नेशनल स्टेडियम में इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब, स्टेडियम में शायकीन के दाखिल होने के दौरान भगदड़, 12 अफराद हलाक, 80 के करीब जख्मी। वजीर आजम क्रिश्चियन एंसले के मुताबिक जख्मियों में से 11 की हालत तशवीशनाक है। इटली के मोटरवे पर हादसा, तेज रफ्तार मुसाफिर कोच फलों से भरे ट्रक से जा टकराई, हादसे में 30 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। मकामी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर कोच में यूक्रेनी सयाह सवार थे। एशिया कप 2023 के लिए पीसीबी की दावत पर भारतीय बोर्ड का मुस्बत जवाब, बीसीसीआई के सदर और नायब सदर इवेंट के दौरान पाकिस्तान आएंगे। और आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन, सिर्फ 1 जीत की दूरी पर पाक अफगान वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। शाहिदों ने क्लीन स्वीप पर नजर जमा ली, टीम में 4 तब्दीलियां मुतवक्के। सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सवा, मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम हद कर दी, देखते रहिए सवा।